मुझसे है सांसों में तेरे रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा ना पानी। ये एक गाने के बोल हैं। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा ना पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा ना पानी। जहन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि हम यह लाइनें आपको क्यों सुना रहे हैं, लेकिन जरा अपने आसपास की स्थिति को देखिए। क्या हरियाली बची हुई है? क्या पेड़ बचे हुए हैं? आपको बता दें, महाराष्ट्र में अमरावती पहला ऐसा शहर बन चुका है जहां पर हर तीसरे अल्टरनेटिव दिन अब जनता को पानी मिलेगा। जी हाँ, यानी समझ लीजिए कि अमरावती में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हफ्ते में 3 दिन भी ठीक से पानी देने की स्थिति में है नहीं। इसके पहले आपको अमरावती के बारे में बताएं, आपको विदर्भ के सबसे महत्वपूर्ण शहर नागपुर लिए चलते हैं। नागपुर में बीते दिनों विकास की गंगा बहुत रफ्तार से बहाई गई। नागपुर बड़ा शहर है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं। एक दोपहिया से अगर आप निकलें तो पूरे शहर को अच्छी तरह से नाप सकते हैं। लेकिन मेट्रो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, कार्गो हब, इन सब के बीच ज़मीन पर ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के जंगल और ज़मीन के नीचे कम होता हुआ पानी, स्थिति ये आ गई है कि नागपुर महानगर पालिका ने कुछ एडवाइजरी वहां की जनता के लिए जारी की है, जिसमें नागपुर महानगर पालिका द्वारा कहा जाता है कि हम पानी बचा सकते हैं। पानी बचाने के उपाय भी बताए गए हैं। उपाय ये है कि आप कम गंदे कपड़ों को धोना अवॉइड करें। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि गाड़ियों को रोज़ ना धोएं। बताया यह भी गया कि बेवजह अपने घरों के कंपाउंड में पानी भी ना बहाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई वो ये है कि आप टॉयलेट में पानी का इस्तेमाल कम करें और पेपर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब स्थानीय प्रशासकीय संस्थाएं इस तरह की एडवाइजरी जारी करने पर मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए दिक्कत बहुत बड़ी है। जी हाँ, बजट में बहुत बड़ा बड़ा पैसा प्रत्येक योजनाओं के लिए लागू कर दिया गया, और महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें सरकार की सभी योजनाओं का सबसे अधिकतर हिस्सा आया हुआ है। आपको बता दें कि जितना पैसा इन योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है, अगर उतना पैसा देश में पानी के उपायों पर खर्च किया जाए तो देश को पानी से लबरेज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा। नतीजा ये है कि नागपुर जैसे शहर में, जो कभी पानी के तौर पर संपन्न माना जाता था, नाग नदी, पीली नदी, फुटारा तालाब, डिंडी तालाब, शकरदरा तालाब, सब कुछ सूख रहा है। और अमरावती शहर में तो तालाब है ही नहीं, तो फिर सोचिए यहाँ की स्थिति क्या होगी। कंक्रीट के जंगल यहाँ भी खड़े किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं का दावा यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन पानी की चिंता है किसे? जब पानी रहेगा नहीं तो फिर संपन्न और विकसित शहर में लोग रहकर करेंगे क्या? यह भी सवाल उठता है। लेकिन पानी को लेकर कोई बहुत बड़ा विजन किसी की नज़र में है नहीं। शायद अभी 2 दिनों के आड़ पानी की स्थिति आ चुकी है। आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो ये समस्या और गंभीर हो सकती है। लेकिन इस बीच पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसका उपाय किसी के पास है नहीं। ज़मीन के नीचे का गर्भ में जमा पानी अब ख़त्म होने लगा है। ख़त्म हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़मीन के गर्भ का जितना पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका 25% अकेले भारत में इस्तेमाल होता है। तो पानी आएगा कहाँ से? सिर्फ कंक्रीट के जंगल बना देने से हर एक समस्या हल नहीं हो जाती, या हर एक समस्या को इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किए जा रहे विकास के पैरामीटर पर हल भी नहीं किया जा सकता।
अब आने वाले दिनों में कोई और अचंभित कर देने वाली एडवाइजरी ना देखने को मिले, इसके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि शहर को पानी संपन्न कैसे बनाया जाए, इस रणनीति पे हमारे राजनेता काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, PCN न्यूज़।